कितनी हत्याएं टोटल कर चुके हैं? ये 8 हो चुकी। सिर्फ पैसों के लिए किया करते थे? जी हाँ। घटनाओं की अधिकता की वजह से ये स्पॉट नहीं बता पा रहा है। उसे जिसने भी लिफ्ट दी वो काम से गया। उसके निशाने पर थे ट्रक ड्राइवर। वो लिफ्ट लेकर कर देता था कत्ल, क्योंकि वो था एक सनकी सीरियल किलर। कितनी हत्याएं टोटल कर चुके हैं? ये 8 हो चुकी। सिर्फ पैसों के लिए किया करते थे? जी हाँ। घटनाओं की अधिकता की वजह से ये स्पॉट नहीं बता पा रहा है। दुनिया में लोगों के नामालूम कैसे कैसे और कितने अरमान होते हैं। अपने इन अरमानों को पूरा करने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते। लेकिन कोई अगर आपसे ये कहे कि वो अपने अरमानों की खातिर बेगुनाह इंसानों की जान लेता है, तो इसे आप क्या कहेंगे? यकीनन ऐसे दावे पर यकीन करना आपके लिए मुश्किल होगा। मुमकिन है उसकी बात सुनकर ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। लेकिन मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में पुलिस की गिरफ्त में आए इस सीरियल किलर की कहानी कुछ ऐसी है। एक ऐसा सीरियल किलर जो सिर्फ अपने अरमान पूरे करने के लिए अब तक 9 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। और जानते हैं उसका ये अरमान क्या है, तो सुनिए खुद उसी की जुबानी जिस पर ये संगीन इल्जाम है। क्या घटना की और क्यों करते थे सारी घटनाएं? सर ऐसे बस क्या करें, मजबूरी में करते हैं। बताइए ना, क्या मजबूरी थी आपकी? ये होटल खोलना था सर। सुना आपने नकाब में पोशीदा इस शख्स का क्या कहना है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान समेत कई राज्यों की पुलिस के लिए चुनौती बने शख्स ने आखिर इतने कत्ल क्यों किए, सिर्फ एक अदद ढाबा खोलने के लिए। ये बात सुनकर भी अजीब लगता है, लेकिन 9 कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कोई शख्स जब खुद अपनी जुबान से इन कत्ल की वजह कबूल करे तो यकीन करना ही पड़ता है। मंगलवार 16 जून 2015, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के सीमाई इलाके में उस रोज पुलिस को एक डबल मर्डर की खबर मिलती है। ये लाशें होशंगाबाद शहर से थोड़ी दूर कूलामढ़ी बाईपास के पास पड़ी थी। चूंकि मामला संगीन था, खबर मिलते ही पुलिस फौरन मौके वारदात पर पहुंची। पुलिस ने देखा कि दोनों लोगों की जान सर में रॉड जैसी किसी भारी चीज से वार कर ली गई थी। अब जाहिर है चूंकि मामला डबल मर्डर का था, पुलिस को शक होने लगा कि शायद इस वारदात के पीछे 2 या उससे ज्यादा लोग हो सकते हैं। लेकिन मामले की तफ्तीश आगे बढ़ाने के लिए पुलिस को सबसे पहले मरने वालों की पहचान करना जरूरी थी। लिहाजा पुलिस ने लाश बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने के साथ साथ मरने वालों की तस्वीरें सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर भी डाल दी। नतीजा ये हुआ कि जल्द ही मरने वालों की पहचान हो गई। दोनों ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर निकले। लेकिन लाशों के पास दूर दूर तक कहीं कोई लावारिस ट्रक नहीं खड़ा था। ऐसे में लगने लगा कि शायद कत्ल का मकसद लूटपाट जैसी वजह हो सकती है। लेकिन अभी पुलिस तमाम संभावनाओं पर काम ही कर रही थी कि इन लाशों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने उन्हें चौंका दिया। ये साफ हुआ कि रॉड के वार कर जान लेने के पहले दोनों को जहर दिया गया था। जाहिर है कत्ल का यह तरीका जरा हटकर था। ऐसे में पुलिस ने अपनी तफ्तीश का दायरा और बड़ा कर दिया। लेकिन इसके बाद उसे एक ऐसा सुराग मिला जिसने उसके हाथ सीधे इस खौफनाक सीरियल किलर की गिरेबान तक पहुंचा दिए। अब पुलिस के पास डबल मर्डर की तफ्तीश के सिलसिले में कई सुराग हाथ लग चुके थे। अव्वल तो मरने वालों की पहचान हो चुकी थी, वो ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर थे। दूसरा कि उनका ट्रक गायब था, जिससे शक लूटपाट की वजह से कत्ल किए जाने का लग रहा था। और तीसरा, लाशों पर बने रॉड के निशान के अलावा उन्हें जहर दिए जाने की बात भी साफ हो चुकी थी।
पुलिस थाना हिंगना की पुलिस के सहयोग से उनके साथ मिलकर हमने इसको पकड़ा। चूंकि इससे पूछताछ में वहाँ के भी 4 मर्डर इसने स्वीकार किए थे, सेम घटनाएं की थी, तो वहाँ पहले गिरफ्तारी हो गई। आज हम इसको प्रोडक्शन वारंट पर लेके आए हैं, इसका PR लिया। कितनी हत्याएं कर चुका है अभी तक? इसने 9 हत्याएं करना कबूल किया है। इसका मतलब ये हुआ कि कातिल जो भी था उसने पहले तो मरने वालों को धोखे में लिया था और फिर उनकी जान ली थी। ऐसे में पुलिस ने वारदात की मोडस ऑपरेंडी यानी कत्ल के इस तौर तरीके के जरिए कातिल का पता लगाने के लिए अपने पुराने रिकॉर्ड खंगालने का फैसला किया। लेकिन जल्द ही उसे एक ऐसी बात पता चली कि उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पुलिस ने देखा कि इससे पहले भी ऐसे ही 2 कत्ल के इल्जाम में जो एक शख्स जेल में बंद था वो कुछ महीनों पहले ही बाहर निकला था और इस शख्स का नाम था घनश्याम राजपूत। तो क्या इस डबल मर्डर के पीछे भी उसी का हाथ था? पुलिस को शक तो कुछ ऐसा ही हो चला था। लेकिन उसे इस इल्जाम में गिरफ्तार करने से पहले पुलिस को अपने शक की तस्दीक करने की दरकार थी। लिहाजा पहले तो पुलिस ने उसके मोबाइल फोन से कॉल रिकॉर्ड खंगालने का फैसला किया और दूसरे तौर तरीकों से कत्ल वाले दिन उसके मौकाए वारदात के आसपास होने का पता लगाया। लेकिन पुलिस का शक सही निकला। घनश्याम राजपूत वारदात वाले दिन न सिर्फ होशंगाबाद के कुलामढ़ी बाईपास के करीब देखा गया था बल्कि उसके मोबाइल फोन की लोकेशन भी कुछ ऐसे ही तस्दीक कर रही थी। अब पुलिस ने उसे फौरन धर दबोचा और पूछताछ शुरू कर दी। लेकिन इस बार उसने इस डबल मर्डर के साथ जो बातें कबूली उसने पुलिस वालों को भी सन्नाटे में डाल दिया। उसने बताया कि उसने न सिर्फ इस ट्रक ड्राइवर और क्लीनर को बल्कि उस जैसे कई दूसरे ट्रक ड्राइवर और क्लीनर को भी मौत के घाट उतारा था। और जानते हैं इसकी वजह क्या थी? तो सुनिए, लूटपाट और लूटपाट के रुपयों के जरिए एक अदद ढाबे की शुरुआत करना। पुलिस की माने तो घनश्याम राजपूत कभी खुद भी एक ट्रक ड्राइवर हुआ करता था और इसलिए उसे ट्रक ड्राइवरों का शिकार करना आसान लगता था। वो अपने शिकार की तलाश के लिए हाईवे पर ट्रकों से लिफ्ट मांगता और जो उसे लिफ्ट देने के लिए तैयार हो जाते वो उनसे दोस्ती गांठता, उसे अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाता और इसी खाने में जहर मिलाकर कत्ल की तैयारी कर लेता। पैसे के लिए शिकार बनाता था, ये किसी ढाबे पे उनसे मिलता था, दोस्ती करता था और फिर उनके साथ ही बैठ जाता था, लिफ्ट ले लेता था उनके साथ। और रास्ते में जब कभी वो किसी खाने के लिए ढाबे पे रुकना चाहते तो बोलता था हम लोग खुद ही बनाते हैं खाना, और उसके बाद उसमें केमिकल मिला के उनको बेहोश कर देता था। यूजली वो 8 घंटे बेहोश रहते थे, मर्डर वहाँ नहीं करता था, उनको फिर कहीं और सुनसान जगह ले जाके खुद ही ट्रक ड्राइव करके और फिर उनका मर्डर करता था। जो पैसे होते थे वो ले लेता था और अगर सामान कुछ ऐसा बेचने लायक है तो जाके कहीं डिस्पोज ऑफ कर देता था। इसके बाद मौका मिलते ही वो रॉड या ऐसी ही किसी चीज से अपने शिकार की जान लेकर रुपए पैसे लूट लेता और ट्रकों को लावारिस छोड़कर फरार हो जाता। फिलहाल हालत ये है कि शख्स ने अब तक 9 कत्ल की बात कबूल कर ली है, लेकिन पुलिस की माने तो उसने पिछले 3-4 सालों में कुछ इतने लोगों की जान ली है, उसकी सही सही गिनती फिलहाल खुद उसको भी याद नहीं।